जलपरी भी मिल गई और नाग और नागिन भी मिल गए। बहुत समय पहले की कहानी है, बहुत सारे शैतान शैतान लोक से निकलकर धरती लोक आ जाते हैं और एक मैच बॉक्स गुफा का दरवाजा खोलकर अंदर चले जाते हैं। वहां जाकर वह सभी शैतान तपस्या करने लगते हैं और कहते हैं, जागो चुड़ैल की रानी, जागो, हमें आपकी बहुत जरूरत है। हम यहाँ पृथ्वी लोक पर कब्जा करने आए हैं, जल्दी आओ चुड़ैल की रानी, हमारी सहायता करो। उनके ऐसा कहते ही एक रोशनी नजर आती है। रोशनी में से आवाज आती है, क्या हुआ, मुझे क्यों जगाया जा रहा है? शैतान कहता है, चुड़ैल की रानी, हम पृथ्वी लोक पर कब्जा करने आए हैं और यहाँ पर सभी इंसानों और बच्चों को मारने के लिए आए हैं, लेकिन इसके लिए हमें आपकी शक्तियों की जरूरत है, हमारी मदद करें चुड़ैल की रानी। चुड़ैल कहती है, मैं अभी बहुत कमजोर हूँ, अगर तुम मुझे जलपरी का खून लाकर दोगे उसे पीकर ही मेरी ताकत बढ़ेगी, तभी मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। उनकी यह बातें बंटी सुन रहा होता है। फिर वह सभी शैतान जलपरी को लेने के लिए तालाब के पास चले जाते हैं और वहां जाकर अपनी शक्तियों से पूरे तालाब का पानी सुखा देते हैं। जलपरी बाहर आ जाती है। तभी एक शैतान बेहोशी का धुआं छोड़ता है और जलपरी को बेहोश करके ट्रक पर जलपरी को वह वहां से ले जाते हैं। गुफा में पहुंचकर वह जलपरी का खून चुड़ैल को पिला देते हैं। चुड़ैल तभी उस रोशनी में से बाहर आ जाती है। चुड़ैल कहती है, बहुत मजा आ गया, जलपरी का खून पीकर तो मैं तरोताजा हो गई, लेकिन अब भी मैं बहुत कमजोर हूँ। अगर तुम सब मुझे नागराज और नागिन का खून लाकर दोगे तो मैं शीघ्र अति शीघ्र पृथ्वी लोक तुम्हारे हवाले कर दूंगी। दो मुंह वाला शैतान कहता है, जो हुकुम रानी साहिबा। वही बंटी वह सारी बातें सुन लेता है। बंटी कहता है, इन सभी ने तो जलपरी को मार दिया और उसका खून चुड़ैल को पिला दिया, अब ये नाग और नागिन को ही पकड़ने जा रहे हैं, अब दुनिया को इनसे कोई नहीं बचा पाएगा। बंटी तभी भागा भागा गांव जाता है और गांव वालों को सारी बात बताता है। ऐसा सुनकर गांव में हाहाकार मच जाता है और सभी यहां वहां भागने लगते हैं। तभी बंटी कहता है, मुझे ही कुछ करना होगा। दूसरी तरफ वह शैतान नाग और नागिन को लेने के लिए नागलोक पहुँच जाते हैं और वह नागलोक पर हमला कर देते हैं। हर तरफ आग ही आग फैल जाती है जिससे वहाँ के सभी नाग मर जाते हैं। तभी नाग और नागिन शैतानों के सामने आ जाते हैं। तभी एक शैतान फिर से बेहोशी वाला धुआं छोड़ता है जिससे नाग और नागिन बेहोश हो जाते हैं। फिर वे सभी राक्षस एक ट्रक में नाग और नागिन को लादकर पृथ्वी लोक निकल जाते हैं और गुफा में पहुंच जाते हैं। तभी शैतान चुड़ैल से कहते हैं, चुड़ैल रानी, यह लो, हम नागिन और नागराज को ले आए। चुड़ैल कहती है, शाबाश मेरे शैतानों। वहीं दूसरी तरफ बंटी अपनी कलाकारी से फायर ट्रक बनाता है जो पानी भी छोड़ता है और आग भी छोड़ता है। वह बिना टाइम गवाए उस फायर ट्रक को लेकर गुफा की तरफ निकलता है। बंटी कहता है, मैं चुड़ैल और राक्षस को पृथ्वी लोक पर कब्जा होने नहीं दूंगा और नागो नागिन को बचाऊंगा। तभी बंटी गुफा के पास पहुंच जाता है और मैच बॉक्स दरवाजे पर आग से वार करता है। वह दरवाजा जल जाता है। तभी उसे राक्षस देख लेते हैं। सभी शैतान आग का वार करते हैं, लेकिन बंटी ने फायर ट्रक बनाया था। बंटी अपने ट्रक से पानी की बौछार करता है। जैसे ही वह पानी शैतानों पर पड़ता है, वह सभी शैतान पानी पानी हो जाते हैं और पानी में बह जाते हैं। अब बस चुड़ैल बची हुई थी। चुड़ैल भागी भागी बाहर आती है। तभी बंटी पानी की बौछार करके उसकी आग को बुझा देता है और उस पर आग से फायर करता है। चुड़ैल वहीं जलकर भस्म हो जाती है। इतने में नाग और नागिन को होश आ जाता है। नागराज अपनी शक्तियों से जलपरी को जिंदा कर लेता है और बंटी से कहता है, बंटी तुम तो बहुत ही तेज दिमाग बच्चे हो, तुमने आज पृथ्वी लोक को बचा ही लिया। और चुड़ैल की खूब धुलाई करता है। मोटू राक्षस, आज से तुम हमारे दोस्त और हम तुम्हारे दोस्त। बहुत समय पहले की घटना है। कुछ गायें आपस में चारा चर रही होती हैं। तभी अचानक उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। फिर सभी गायें उस बच्चे के पास जाती हैं। बच्चे को देखकर एक गाय बोलती है,
अरे बहन, लगता है ये किसी राक्षसनी का बच्चा है। इसकी राक्षसनी माँ यही कहीं होगी। तभी उन सभी गायों को नजर आता है कि उसकी राक्षसनी माँ मर चुकी होती है। गाय बोलती है, इसकी माँ मर गई लगता है, इसे तो हमें ही पालना होगा। तभी दूसरी गाय बोलती है, अरे बहन, ये राक्षस का बच्चा है, ये बड़ा होकर हमें ही खा जाएगा। चलो चलो, इसे यहीं रहने दो। फिर एक गाय बोलती है, अरे नहीं बहन, ये यहाँ मर जाएगा, इसे तो मैं ही पाल लूंगी। ऐसा कहते ही वह बच्चे को उठा लेती है और अपनी पीठ पर बिठा लेती है और वहाँ से चलने लगती है। तभी एक गाय बोलती है, रुक जाओ बहन, हमारी बात मान लो, उसे गांव वाले मार देंगे। लेकिन वह गाय उनकी बातों को नहीं सुनती और गांव निकल पड़ती है और अपने स्थान पर पहुंच जाती है। तभी सभी गांव वालों को पता लग जाता है कि एक गाय राक्षस का बच्चा उठा लाई है। वह सभी गांव वाले लाठियां लेकर गाय के पास जाते हैं और कहते हैं, ए गाय, तुझे समझ नहीं आता, यह किसी राक्षस का बच्चा है और यह बड़ा होकर पूरे गांव वालों को ही खा जाएगा। तुम इसे जहाँ से लाई हो उसे वापस वहीं छोड़ाओ, नहीं तो हम इसे मार देंगे। तभी गाय माँ बोलती है, नहीं, मैं इसे अपने पास रखूंगी। अगर आप सभी को इससे कोई आपत्ति है तो मैं इसे लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। ऐसा कहते ही वह गाय बच्चे को लेकर चली जाती है और एक जंगल में ले जाकर उसका पालन पोषण करने लगती है। वह राक्षस का बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। गाय उसका नाम मोटू रखती है क्योंकि वह राक्षस बहुत ही मोटा होता है और भारी होता है। कई बार वह राक्षस घूमते घूमते गांव पहुंच जाता था। जो बच्चे वहां खेल रहे होते थे तो वह उसे देखकर अक्सर भाग जाया करते थे। तभी भागते भागते एक बच्चा बोलता है, अरे दोस्तों, मोटू राक्षस आ गया, यह हमें पकड़कर खा जाएगा, अपनी जान बचाकर भागो। तभी दूसरा बच्चा बोलता है, अरे नहीं, ये हमें नहीं खाएगा, ये तो हमें खड़ा खड़ा देख रहा है। फिर सभी बच्चे खड़े होकर मोटू राक्षस का मजाक उड़ाते हैं और उस पर पत्थर मारने लगते हैं। मोटू राक्षस वहाँ से भाग जाता है और मोटू राक्षस बहुत ही उदास हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक चुड़ैल गांव पर हमेशा हमला करती रहती है। चुड़ैल कहती है, नुम, 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 मैं बहुत भूखी हूँ, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको खा जाऊंगी। उसके डर से गांव वाले इधर उधर भागने लग जाते हैं और कहते हैं, अरे भागो रे गांव वालों, अपनी जान बचाकर भागो, लगता है इस चुड़ैल का एक साल पूरा हो गया, यह अब किसी को नहीं छोड़ेगी। वह चुड़ैल गांव के कुछ बच्चों को और गांव के बैलों को उठाकर ले जाती है और कहती है, गांव वालों, मैं अगले साल फिर आऊंगी। दूसरी तरफ मोटू राक्षस की गाय माँ बोलती है, एक चुड़ैल गांव वालों पर हर साल हमला करती है और गांव वालों के बच्चों को और पशुओं को उठाकर ले जाती है। तुम भी बड़े हो गए हो, अब समय आ गया है कि तुम गांव वालों की रक्षा करो। तभी मोटू राक्षस बोलता है, नहीं, मैं उनकी रक्षा नहीं करूंगा, क्योंकि जब मैं छोटा था तब उन्हीं गांव वालों ने हमें डंडे मारकर भगा दिया था। तभी गाय माँ बोलती है, नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, जाओ उनकी रक्षा करो, गांव वाले तुम्हें सम्मान जरूर देंगे और धीरे धीरे तुम गांव वालों के चहेते बन जाओगे। तभी मोटू राक्षस थोड़ा सोचता है और कहता है, ठीक है माँ, मैं उनकी रक्षा करूंगा। ऐसा कहते ही मोटू राक्षस अपनी माँ के साथ गांव निकल पड़ता है और जैसे ही एक साल पूरा होता है वह चुड़ैल दोबारा वहाँ आती है। चुड़ैल कहती है, एक साल पूरा हो गया, अब मैं बहुत भूखी हूँ, मैं इन सबको उठाकर ले जाऊंगी और ले जाकर खा जाऊंगी। मोटू राक्षस चुड़ैल को देख लेता है और चुड़ैल के पास जाकर कहता है, चुड़ैल, तेरे पाप का घड़ा भर गया है, क्योंकि अब मोटू राक्षस आ गया है। मैंने गांव वालों की रक्षा करने का दृढ़ निश्चय किया है और अब तू अपनी आखिरी सांसें गिनना शुरू कर दे। मोटू राक्षस चुड़ैल की तरफ दौड़ता है और चुड़ैल की खूब धुलाई करता है। यह दृश्य सभी गांव वाले देख रहे होते हैं। गांव वाले कहते हैं, यह तो राक्षस बहुत ही अच्छा है, हमें मोटू राक्षस से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं मोटू राक्षस चुड़ैल को मारता मारता दूर ले जाता है। इतनी मार खाने के बाद चुड़ैल का दम निकल जाता है और चुड़ैल वहीं मर जाती है। तभी गांव के सभी बच्चे वहां आ जाते हैं और मोटू राक्षस से कहते हैं, मोटू राक्षस, आज से तुम हमारे दोस्त और हम तुम्हारे दोस्त।